हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पिट के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, जिसपे जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा हुआ है कि भारत का उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन आपके पास 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 8 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या 8 डिग्री 8 4 मिनट उत्तर। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? दिल्ली से, लखनऊ से, भोपाल से या इलाहाबाद से? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय मानक मध्यान रेखा जो है वो आपकी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपके डिफरेंट है। ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुकी हूँ। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, यानी टोटल जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 28, 19, 25 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 11, 10, 12 या 7? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कोई एक भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी भारत का इनमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या मेघालय? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिक्किम इन तीनों की अपेक्षा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है? एक तरफ आपका नेपाल है, दूसरी तरफ चीन तथा तीसरी तरफ भूटान है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सिक्किम है वो 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या केरल? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती जो स्थान है वो है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? चीन से, नेपाल से, भूटान से या म्यांमार से? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल देश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? संबलपुर, कटक, पुरी या भुवनेश्वर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चंडीगढ़ जो है वो किन दो राज्यों की जुड़वा राजधानी है? पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हिमालय, पंजाब एवं उत्तराखंड या पंजाब एवं दिल्ली? तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब एवं हरियाणा दो राज्यों की जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि गंगटोक निम्न की राजधानी है, यानी गंगटोक जो है वो किसकी राजधानी है, सिक्किम की, नागालैंड की, मेघालय की या अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि जो गंगटोक है वो आपकी सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है असम। असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती, इसके अलावा इन तीनों राज्यों की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है केरल। केरल राज्य की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में कर्नाटक से घिरा हुआ है केरल, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी नगर कहा जाता है, यानी किस नगर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ, जबलपुर, जयपुर या कोलकाता। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जयपुर। जयपुर क्या किस नाम से जानी जाती है, गुलाबी नगर के नाम से जानती है, पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली में। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि रॉक गार्डन जो है वो आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, आइजोल या रांची। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं, लक्षद्वीप, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या अंडमान निकोबार। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप क्या है, अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है या अरब सागर में है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अरब सागर में। लक्षद्वीप जो है आपका ये क्या है, द्वीप समूह है, ये आपका अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में सांस्कृतिक प्रतिचित्र कौन तैयार करता है, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया भारत में सांस्कृतिक प्रतिचित्र तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो केटू है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट ईसो, सेडल शिखर, कंचनजंगा या डोलीगट्टा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है, बैल चोटी, मिकाई श्रेणी, कैसलकेड श्रेणी या गुडविल श्रेणी चोटी, गुडविल चोटी। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विंध्याचल जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुडविल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय या सतपुरा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या त्रिकुटा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, विंध्य पहाड़ियों पर, सहाद्री पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर या नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में। तो यहां आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू तथा कश्मीर में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोजिला दर्रा आपका जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों में से किसमें वार्षिक तापांतर अधिकतम है, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद या कोची। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो दिल्ली का वार्षिक तापांतर है वो इन सबसे अधिक होता है, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, नवंबर जनवरी में, मई सितंबर में, अक्टूबर दिसंबर में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मई सितंबर में, यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है मई और सितंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ बहती है, यानी दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तो उसके समय आर्द्र पवने जो बहती है वो कहाँ बहती है, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, या पहाड़ी प्रदेशों की ओर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू और कश्मीर में, बिहार में, या हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी हिमालय, या मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पश्चिमी घाटी है वो उष्णकटिबंधीय हरित वन का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, कौन से मानचित्र हैं, भौतिक, थ्रीमैटिक, राजनीतिक, या प्रयोगात्मक। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, थ्रीमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसे केवला देव घाना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को केवला देव घाना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि हेलेन चक्रवात ने प्रभावित किया, किसे प्रभावित किया था हेलेन चक्रवात ने, तटीय आंध्र प्रदेश को, तटीय उड़ीसा को, तटीय कर्नाटक, या तटीय केरल को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेलेन चक्रवात ने तटीय आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, यानी जो भारत का तीन महत्वपूर्ण नदियों का सोर्स हिमालय है वो मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन कौन सी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, या झेलम, यमुना और सतलज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और जो सिंधु नदी है वो हिमालय से निकली है, यानी इन नदियों का सोर्स क्या है, हिमालय है, जो कि मानसरोवर झील के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है, गंगा, यमुना, सतलज, या रावी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो सतलज नदी है वो हिमालय के परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है किस प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा से, असम से, या मेघालय से। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी नहीं है, यमुना, सोन, कृष्णा, या कोसी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसके अलावा यमुना, सोन और कोसी, ये तीनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, गंगा, महानदी, गोदावरी, या ताप्ती। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन ऑप्शन डिफरेंट है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, गंगा, नर्मदा, महानदी, या कावेरी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। फिर कह रहा है कि नर्मदा नदी निकलती है, यानी नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, भेलापेट से, अमरकंटक से, डिंडौरी से, या इलाहाबाद से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। फिर आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ताप्ती, कृष्णा, महानदी, या गोदावरी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो ताप्ती नदी है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, गंगा यमुना, सरस्वती महानदी, सतलज व्यास, या नर्मदा ताप्ती। तो यहाँ आपका जो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, या कृष्णा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगी, जो नर्मदा नदी है वो क्या होती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
कह रहा है कि केरल से उद्गमित होने वाली निम्न में से कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? चलियार, कल्लर, अचेन कोई या भवानी? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भवानी नदी है वो केरल से निकलने वाली कावेरी की सहायक नदी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा? तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? यानी महानदी का जो प्रमुख भाग है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महानदी का जो प्रमुख भाग है वो है आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? रवि, सोन, केन या बेतवा? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विदिशा जो है वो केन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील, लोकटक झील, डल झील या पेंगा झील? तो इसमें से राइट ऑप्शन बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी झील जो है वो है वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अष्टमुटी झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? अलपुझा, कोटायम, कोलम या त्रिवंतपुरम? इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टमुटी झील आपकी कोलम में स्थित है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? चिल्का जो कि पश्चिम बंगाल में है, वोलर जो कि जम्मू कश्मीर में है, सांभर जो कि राजस्थान में है या लोनार जो कि महाराष्ट्र में है? राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चिल्का नदी है, जो पश्चिम बंगाल, जो चिल्का झील है, चिल्का जो झील है जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, अपने स्थान की दृष्टि से क्या है? असंगत है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि केरल के अविच्छिन्न आंतरिक जल परिवहन तंत्र की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 450 किलोमीटर? तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी कि केरल के अविच्छिन्न आंतरिक जल परिवहन तंत्र की जो लंबाई है वो है 450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, दामोदर पर, कोसी नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि हीराकुंड नदी जो परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महाघाटी महानदी पर हुआ? यानी किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है वो महानदी पर हुआ है? टिहरी, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर या तुंगभद्रा? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है वो आपकी महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपका पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? झेलम, चिनाब, रावी या सतलज? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी, चिनाब नदी, पार्वती नदी या सतलज नदी? तो राइट ऑप्शन बताइए। अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लैंग्वेज बस डिफरेंट थी, मीनिंग सेम था। यहाँ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। फिर सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, यानी कई बार पूछा भी गया है। बस लैंग्वेज सेम है लेकिन मीनिंग सेम है, सॉरी लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। कह रहे कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? सतलज, रावी, ब्यास या सिंधु? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक में, कोसी में, कृष्णा नदी पर या महानदी पर? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? पंपा, पेरियार, काबनी या कलाडा? तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? यानी कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? सोनबहु,
उद्देशी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहांद विद्युत परियोजना, ये जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सोन बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जापान के सहयोग से पूर्ण हुई पैठान यानी जायकवाड़ी पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, गोदावरी पर, नर्मदा पर या कावेरी पर? तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल बिजली पनबिजली परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, जो कि जापान के सहयोग से पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, चंबल, नर्मदा या यमुना? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है? गुजरात व महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान या इनमें से सभी राज्य? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि इन सभी राज्यों को सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? पेरम्बूर में, वाराणसी में, जमशेदपुर में या चितरंजन में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है पेरम्बूर। पेरम्बूर में रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय रेल कारखाना डीजल कंपोनेंट वर्क्स, जिसे शॉर्ट में DCW भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में, पटियाला में, वाराणसी में या कपूरथला में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है पटियाला। पटियाला में DCW स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ आपको कारखाना दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। आपको ये सही मेल बताना है कि इसमें से सही मेल कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी, तो बोकार इस्पात संयंत्र है ये कहाँ स्थित है? आपका झारखंड में स्थित है। और उसके बाद आपका जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। स्टीग्रल कोच खरखाना स्टीग्रल कोच कारखाना जो है वो तमिलनाडु में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो सही आपका क्या हो गया? 4-3-1-5। तो सही मैच कौन सा है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से वही करना है, सही मैच करना है। ये मैच करके बताना है कि कौन सा, इधर नगर दिए हुए हैं, इधर उद्योग दिए हुए हैं, आपको राइट बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। तो कोयम्बटूर किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। राउरकेला लाओ इस्पात के लिए। कपूरथला रेल डिब्बा के लिए। और बरौनी जो है वो तेल शोधन के लिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4-3-2-1। 4-3-2-1 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, रासायनिक उद्योग के लिए, कंप्यूटर उद्योग के लिए या वायुयान उद्योग के लिए? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो आपके वायुयान उद्योग के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, देवास या कोरापुट? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। फिर कह रहा है कि कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम या हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में, थुम्बा में या श्रीहरिकोटा में? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगी, भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु में स्थित है। फिर कह रहा है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कल्पक्कम में स्थित है, क्या स्थित है? तेल शोधन शाला,
जल विद्युत शक्ति ग्रह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम में स्थित है। फिर कह रहा है कि कल्पक्कम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या तमिलनाडु में। यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कोथगुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में। कोथगुडेम थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है, एयरवेज, रेलवे, जलमार्ग या रोडवेज। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, इसका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, रोडवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, जिला परिषद द्वारा, पीडब्ल्यूडी, पीसीडब्ल्यूडी या एनएचएआई। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एनएचएआई द्वारा स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोची पोर्ट को वायनाड से जोड़ता है, NH-17, NH-47, NH-212 या NH-49। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, NH यानी नेशनल हाईवे जो 212 है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है और वो कोची पोर्ट को वायनाड से जोड़ता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि NH-47A जो कुंडनूर से प्रारंभ होता है भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डी, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में, दिल्ली में या कोच्चि में। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो मुख्यालय है वो आपका कोची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से पूछा कि छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, मुंबई में, चेन्नई में, पुणे में या अहमदाबाद में। यहाँ का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्न राज्यों में से किसमें रेलवे लाइन नहीं है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में पहला रेलवे टर्मिनल कौन सा बनाया था, यानी भारत में जो पहला रेलवे टर्मिनल बनाया गया था वो कौन सा था, बांदा टर्मिनल, बोरी बंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या ठाणे रेलवे स्टेशन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरी बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रमार्गों को नए नंबर देने की योजना कब प्रारंभ की गई, यानी भारत में जो राष्ट्रमार्ग है, नेशनल मार्ग, नेशनल हाईवे, उनको नए नंबर देने की जो योजना स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी, 2005 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में। यहाँ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जेब्रा क्रॉसिंग के संदर्भ में सत्य है, या स्पीड ब्रेकर का एक अन्य नाम है, या पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में मददगार होती है, वाहनों को हमेशा यहाँ रुकना चाहिए या इनमें से सभी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी, या पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में मददगार होती है। फिर कह रहा है कि भारत कितने पिन विभागों में बांटा गया है, 5, 6, 7 या 8। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फिर कह रहा है कि निम्न में से अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में कार्यशील संगठन जो एजेंसी है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में जो कार्यशील एजेंसी है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, ISBN, इसरो, इंटेलसेट या इंटैक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है, JRT टाटा, अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई या सतीश धवन को। यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, JRT टाटा को भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। फिर कह रहा है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, बेंगलुरु, पलक्कड़, चेन्नई या मंगलोर। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, NH2, NH16, NH4 या NH14। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नेशनल हाईवे 14 जो है, यानी 44
नेशनल हाईवे 44 सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहली मेट्रो रेल जो भारत में चली थी वो कोलकाता शहर में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर के समान है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर आप इन्हें 100 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके एग्जाम में नहीं आएगा जो आपको ना आए, ये गारंटीड है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।